गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम प्लांटिया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जितने भी प्रीवियस चैप्टर हैं इसके पहले के, अगर उसके वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके उससे वीडियो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसका पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया है, जिसमें ऑल ओवर डाइवर्सिटी को, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सभी को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। दैट इज कौन कौन सा किंगडम है देखी है, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। देखिए पहला किंगडम क्या था, पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। सेकेंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लांटिया, किंगडम प्लांटिया। एंड द फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, आरएच विटकर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आरएच विटकर नाम के साइंटिस्ट ने। आरएच विटकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया, जिसमें से मैंने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। प्रीवियस लेक्चर में सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो अगर आपको यूट्यूब पे इनके सारे लेक्चर्स चाहिए तो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, दैट इज क्या है किंगडम एनिमेलिया। और क्यों इनको डिवाइड किया था, इनको डिवाइड इसलिए किया गया था पूरी होल बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि एक साथ सभी ऑर्गेनिज्म का, सभी डाइवर्सिटी की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए इसको अलग अलग ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से किसी भी स्कूल में, ठीक है कोई भी स्कूल है, तो स्कूल में स्ट्रेंथ 1000 की होती है, कहीं 2000 की होती है, और वहां पे एक साथ सभी बच्चों को स्टडी कराना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उनके फीचर्स के बेसिस पे, उनके एज के बेसिस पे, उनके मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग क्लास में इनको डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हमें भी स्टडी कराने में इजी हो और उनको भी स्टडी करने में इजी हो। तो होल बायोडाइवर्सिटी को आप एक साथ नहीं स्टडी कर सकते, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। दैट इज क्या था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। और आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के फीचर्स क्या क्या होते हैं देख लीजिए, एक बार रिकॉल करा देती हूँ किंगडम एनिमेलिया के फीचर। देखिए सबसे पहला फीचर तो होता है, जितने भी मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको रखा गया है किसमें, किंगडम एनिमेलिया में। और किंगडम एनिमेलिया का पहला फीचर क्या होता है, पहला फीचर होता है कि ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलर, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल और हेटरोट्रॉफिक, ये फीचर्स होते हैं किंगडम एनिमेलिया के। ठीक है, अब देखिए किंगडम एनिमेलिया को कितनी डाइवर्सिटी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने ग्रुप्स में और डिवाइड किया गया है, तो आइए देखते हैं टोटल। अगर हम बात करें, ठीक है टोटल बात करें, तो किंगडम एनिमेलिया को 10 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। कितने फाइलम में, 10 फाइलम में। तो यहाँ पे देखिए किंगडम एनिमेलिया को 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है, एनिमेलिया। ठीक है, 10 फाइलम में डिवाइड किया गया। और पहला जो फाइलम है वो क्या है, पहला फाइलम है फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा। सेकंड फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम
सिलेंट्रेटा, थर्ड फाइलम है फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज, फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज, हेलमिंथीज, फोर्थ फाइलम है फाइलम नीमाटोडा जिसको एस्कल हेलमिंथीज भी है, ठीक है, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा जिसको एस्कल हेलमिंथीज भी कहते हैं, एस्कल हेलमिंथीज या फिर आप नीमाटोडा भी कह सकते हैं, नीमाटोडा, नीमाटोडा। देन इसके बाद फिफ्थ फाइलम है फाइलम फाइलम एनालिडा, फाइलम एनालिडा। देन सिक्स फाइलम है फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। देन सेवन फाइलम है इसका फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, मोलस्का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देन इसके बाद देखिए फाइलम मोलस्का के बाद है एट फाइलम, एट फाइलम है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा। नाइन्थ फाइलम है आपका फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एंड द लास्ट वन इज टेंथ जो फाइलम है लास्ट वन इज कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। ये थे आपके 10 फाइलम, ठीक है, मतलब किंगडम एनिमेलिया को, किंगडम एनिमेलिया को 10 फाइलम में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 10 फाइलम में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा फिर से देख लीजिए, सबसे पहला फाइलम क्या है, सबसे पहला फाइलम है फाइलम पॉलीफेरा, ठीक है। जब मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगी, डिटेल में अगर पढ़ाऊंगी, तब आपको ये टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, खुद पे खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइलम पॉलीफेरा है पहला, सेकंड है फाइलम सिलेंट्रेटा, क्या है, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। देन इसके बाद नेक्स्ट वन इज फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज, और सिलेंट्रेटा के बाद अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था एक और फाइलम जिसको कहते हैं फाइलम टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा। और टीनोफोरा में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा मैं जब इसका डिटेल पढ़ाऊंगी तो आपको बता दूंगी। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद है आपका फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज, देन इसके बाद है फाइलम एस्कलेंथीज, फाइलम एनालिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, देन फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। ये 10 फाइलम थे जो कि किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। तो एक स्कूल को, ठीक है, स्कूल में जितने भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं उनमें से बच्चों को हमने क्या किया, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ठीक है, फीचर्स हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद अब उन बच्चों को हमें सेक्शंस में डिवाइड करना है, ठीक है, सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में डिवाइड करना है, ठीक है, कई सारे सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे डिवाइड किया जाता है, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आपको इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस देखना होगा, मींस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है डिवाइड करने का इनका, वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आप जान लेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो सिर्फ और सिर्फ सारे फाइलम के मैं डायग्राम बनाऊंगी, अब सारे फीचर्स अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला बेसिस क्या था इसके क्लासिफिकेशन का, देखिए पहला बेसिस था, ठीक है, पहला बेसिस था इसके क्लासिफिकेशन का यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। दूसरा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिमेट्री, क्या है हमने, सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है। देन इसके बाद है जर्मिनल लेयर,
जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर, ठीक है। देन इसके बाद है सीलो, सीलो, ठीक है। देन इसके बाद है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है। डिटेल में सबको मैं बताऊंगी, ठीक है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी, परेशान मत होइएगा। फर्स्ट बात करते हैं सर्वर ऑर्गेनाइजेशन की। सर्वर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो देखिएगा व्हाट इज सर्वर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, वो चार फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, तो फर्स्ट है आपका सेलुलर लेवल ऑफ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला देखिएगा, पहला क्या है, फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है किसी भी ह्यूमन की बॉडी या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसके बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, वो किससे होता है, सेल से होता है। तो देखिए बहुत सारे सेल, ठीक है, ये बहुत सारे सेल क्या करते हैं आपस में, ठीक है, एग्रीगेट फॉर्म में जब होंगे, ठीक, एक अगर सिंगल सेल है, एक अगर सिंगल सेल है, अगर एक सिंगल सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और यही सेल क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे सेल्स में अगर ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेल डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स को बना रहा है, और ये जो बहुत सारे सेल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट फॉर्म में, एग्रीगेट कहने का मतलब है बहुत टाइटली अरेंज नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है, ये क्या है, एग्रीगेट फॉर्म में। और जब एग्रीगेट फॉर्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का फॉर्मेशन करता है सेल से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। हम इसको टिश्यू नहीं कह सकते, हम इसको टिश्यू क्यों नहीं कह सकते, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल मतलब कि नंबर ऑफ सेल क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सेल है। और ये जो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल है वो टाइटली पैक्ड नहीं है, अगर ये टाइटली पैक्ड होते तो इसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, है ना। यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग कोई नहीं बनी है, अगर एक क्लास में, अगर एक एनालॉजी लेके हम बताएं, अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स में सबको एक साथ अगर बिठा दिया जाए तो वो एक ग्रुप बना लेंगे, लेकिन 10 स्टूडेंट में से जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अलग अलग जगह थोड़ी डिस्टेंस में बिठाया जाए तो उसको हम ग्रुप नहीं कह सकते, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है ग्रुप ऑफ सेल में, ठीक है, जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और मल्टीसेलुलर सेल में। मल्टीसेलुलर सेल किसे कहेंगे, मल्टीसेलुलर सेल कहेंगे जब मल्टीपल नंबर ऑफ सेल होंगे और एग्रीगेट फॉर्म में होंगे, ठीक है, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। और अगर यही सारे सेल टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, तो एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी किससे फॉर्म होती है, मल्टीसेलुलर सेल से फॉर्म होती है, ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से फॉर्म होगी, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन किससे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेल से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेल से। तो सेल से अगर बॉडी बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होता है आपका पॉलीफेरा, जो फर्स्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, फर्स्ट फाइलम है पॉलीफेरा, ठीक है। पॉलीफेरा की जो बॉडी होती है वो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से बनी होती है,
ठीक, जो कि आपस में कॉम्पैक्टली टाइटली अरेंज्ड नहीं होते, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में होता है, ठीक, क्लियर हो गया। तो अगर सेल्स इन बॉडी बनी हुई है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे टिश्यू, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू लेवल का है, या फिर कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, यही ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, आपस में टाइटली अरेंज हो जाते हैं, तो एक ग्रुप बना लेंगे और ये जो ग्रुप बनाएंगे इसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे, ठीक है, टिश्यू कह सकते हैं क्योंकि ये अब क्या हो गए, टाइटली पैक्ड हो गए। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब टिश्यू से बनी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर होगी बात। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो जाता है टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक। देन इसके बाद आइए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कौन आता है, ऑर्गन देखिए पहले सेल था, सेल से टिश्यू बना, अब लोअर टू हायर हम चल रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स का डेवलपमेंट होता जा रहा है, पहले सेल से बॉडी बनी हुई थी फिर टिश्यू में आया, टिश्यू से अब क्या बनेगा, ऑर्गन, ठीक है, टिश्यू प्लस टिश्यू क्या बनाता है, टिश्यू प्लस टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन भी तो बनाता है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका होगा, जो थर्ड है आपका, थर्ड लेवल है वो क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है वो फाइलम है आपका प्लैटीहेलमिंथीस, क्या है, प्लैटीहेलमिंथीस, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिंथीस ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, अब देखिए ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर को हम सिस्टम नाम देते हैं, इसलिए नाम देते हैं उसको क्योंकि कई सारे पार्ट्स होते हैं उसमें, उसका सीपीयू भी होता है, उसमें माउस भी होता है, मॉनिटर भी होता है, ठीक है, सारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और तब इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। और इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और जिसकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होगी इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें खुद हायर एनिमल आता है, खुद ह्यूमन भी आता है, ठीक है। तो बॉडी अगर सेल की बनी होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू की बनी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन से फॉर्म है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ऑर्गन सिस्टम है तो उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लियर हुआ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, जो कि क्या था सिमेट्री, ठीक। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री में आइए देखते हैं क्या है, सिमेट्री क्या होती है और कितने टाइप की होती है। सेकंड टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म, सिमेट्री, सिमेट्री। देखिए पहले कह दीजिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इक्वल पार्ट डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो सिमेट्री देखिए तीन टाइप की होती है, ठीक है, सिमेट्री थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट इज एसिमेट्री, फर्स्ट इज एसिमेट्री, सेकेंड इज बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, एंड द थर्ड वन इज रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तीन टाइप की सिमेट्री हो गई, कौन कौन सी, फर्स्ट इज एसिमेट्री, सेकेंड इज बाइलेटरल, थर्ड इज रेडियल सिमेट्री। अब देखिए आते हैं, देखते हैं हम क्या एसिमेट्री के बारे में, ये क्या होता है, देखिए बहुत इजी है, ठीक है, सिमेट्री के बारे में आपको बताना चाहिए, सिमेट्री होता क्या है, बाकी टाइप्स आप अपने आप खुद से इसके नाम से ही एक्सप्लेन कर देगा अपने टर्म को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री मैंने बताया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस तरह से डिवाइड करना कि इसका रियल इमेज फॉर्म हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। फर्स्ट क्या है इसका टाइप, पहला टाइप है देखिए एसिमेट्री, यहाँ पे ए प्लस सिमेट्री, ए का मतलब क्या होता है, ए में बायोलॉजी, ए का बायोलॉजी में मतलब होगा एब्सेंस, ठीक है, क्या होगा, एब्सेंस। और सिमेट्री का मतलब समझ ही नहीं, मतलब कि एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सिमेट्री फॉर्म ही नहीं होती है, जिनके बॉडी को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते। और इसका एग्जांपल होगा आपका अमीबा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमीबा, ठीक
ठीक है, अमीबा। अमीबा का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इररेगुलर होता है, ठीक है, इररेगुलर होता है। अमीबा का शेप इररेगुलर होगा, तो अगर इसका शेप इररेगुलर होता है तो आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका कोई भी डिवीजन, कोई भी इक्वल पार्ट डिवाइड ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिमेट्री कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए बाई लेटरल सिमेट्री की बात करें तो बाई प्लस लेटरल, इसमें भी दो टर्म है, बाई प्लस लेटरल। बाई का मतलब यहाँ पे दो हो जाएगा और लेटरल का मतलब है लेटरली, ठीक है, लेटरली, ठीक, लेटरली। तो यहाँ पे देखिए जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है, उसको जब हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई लेटरल सिमेट्री कहते हैं। लेटरली अगर उसको दो, सॉरी, लेटरली अगर दो पार्ट में अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। और इसमें खुद एग्जांपल होता है कौन, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन को आप लेटरली इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेटरली अगर वन प्लेन से डिवाइड करेंगे तो टू इक्वल हाफ मिलेगा, और एक पार्ट अगर मिरर के सामने ले जाके रखें तो उसका रियल इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो यहाँ पे देखिए लेटरली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई लेटरल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। लेटरली टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेंगे, क्या कहेंगे, बाई लेटरल सिमेट्री कहेंगे। एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया और आर्थ्रोपोड हो गए, मैमल्स हो गए, जितने भी ऐसे हायर एनिमल होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री फॉर्म होती है। क्लियर होगी बात। देन इसके बाद आइए रेडियल सिमेट्री। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री, ये जो रेडियल टर्म है ना वो रेडियस से क्या है, डिराइव हुआ है, ठीक है, रेडियस से डिराइव हुआ है। और रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, ठीक है, कोई भी सिमेट्री बनती है उसको उसके सेंट्रल एक्सिस से कट करने पे, सेंट्रल एक्सिस से कट करने में, तो एनी प्लेन कट फ्रॉम, सॉरी, एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम, एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, ठीक, सेंट्रल एक्सिस। अगर सेंट्रल एक्सिस से कोई भी सिमेट्री, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से किसी को भी कट कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये देखिए एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, और इस सर्कल को हम क्या कर सकते हैं, इधर यहाँ से अगर डिवाइड करें, ऊपर से लेटरली अगर डिवाइड करें टू इक्वल हाफ मिलेगा ना। यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, टू इक्वल हाफ मिलेगा, ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो मतलब एक सर्कल को आप बहुत सारी जगह से डिवाइड कर सकते हैं, उसके इक्वल हाफ बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सर्कल है ये आपका स्पेरिकल सिमेट्री कहलाता है, क्या कहलाता है, स्पेरिकल सिमेट्री कहलाता है, ये इससे अलग है। स्पेरिकल सिमेट्री, बहुत सारे सिमेट्री मिलते हैं, बहुत सारे इक्वल हाफ मिलते हैं, लेकिन अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में आप कई प्लेन से इसको कट कर सकते हैं, पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका सेंट्रल एक्सिस क्या है, ये है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करें तभी इक्वल हाफ आना चाहिए, ठीक, इसको हम यहाँ से डिवाइड करें, सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है तभी इक्वल हाफ आना चाहिए। और अगर हम इसको स्लैंटली इस तरह से डिवाइड करते हैं सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए तब भी इसके इक्वल हाफ आने चाहिए। इस तरह की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। और इसमें दो से ज्यादा सिमेट्री फॉर्म होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे आपको, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्टार फिश, ठीक, स्टार फिश की अगर हम बात करें तो ये देखें स्टार फिश है, ठीक, फाइव आर्म्स हैं ये इसके, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस ये है इसका, ठीक है, जहाँ पे इसका ओरल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एनएच। तो इसको हम कहाँ से कट करें कि इसके इक्वल हाफ डिवाइड है, इक्वली डिवाइड है, तो इस तरह से हम इसको बीच से इस तरह से कट करेंगे तो इसके इक्वल हाफ डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, तो एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन अगर सेंट्रल एक्सिस से पास होके उसके इक्वल हाफ को डिवाइड करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। चाहे आप इस तरह से इसको कट करें, हॉरिजॉन्टल कट करें, या फिर लेटरली कट करें। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, देखिए हमने कवर कर लिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री। अब आते हैं जर्मिनल लेयर, ठीक है, जर्मिनल लेयर।
जर्मिनल लेयर क्या होता है? जर्मिनल लेयर में देखिएगा, जर्मिनल लेयर क्या होता है? देखिए जब कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, अब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, या फिर कह सकते हैं कोई भी फीटस, ठीक है, कोई भी चाइल्ड का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके मदर के रूप में, तो उसके अंदर एक एम्ब्रियो वाली स्टेज आती है, ठीक है, एम्ब्रियो की स्टेज आती है, ठीक है। कहने का मतलब है पहले जायगोट बनता है, जायगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज। और इसी गैस्ट्रुला स्टेज में बहुत सारी जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेज में ही जर्मिनल लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और जर्मिनल लेयर जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एक होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और सेकेंड होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बहुत ईजी है, देखिएगा ध्यान से, डिप्लोब्लास्टिक। तो मैंने कहा कि जब कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी चाइल्ड का अगर डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सबसे पहले उसमें जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, मास ऑफ सेल बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो से ये गैस्ट्रुला स्टेज में आता है, और जब गैस्ट्रुला स्टेज में आता है तो यही वो स्टेज होती है जहाँ पे एक लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद लिम्स वगैरह का डेवलपमेंट होगा, सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद एक चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही होती है डेवलपमेंट की, इसमें जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, और जर्मिनल लेयर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या, यहाँ पे टर्म समझिएगा, टर्म बस समझते जाइए, ठीक है, यहाँ पे फिर से हम टर्म को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे डाई का मतलब क्या होगा बताइए, डाई का मतलब हो जाएगा टू, पी एल ओ छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, ब्लास्टिक, ठीक है, ब्लास्टिक का मतलब होता है लेयर, ठीक है, ब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, लेयर, टू लेयर, ठीक है, टू लेयर, ठीक है। जब किसी भी इंडिविजुअल में दो लेयर जर्मिनल लेयर की होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और कौन सी दो लेयर होगी, एक होगा आपका बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, और अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म कहेंगे, ठीक है। एक डायग्राम बना के मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आउटर लेयर, आउटर लेयर जो होगी क्योंकि ये सेल से ही बनी होती है, आउटर लेयर क्या कहलाएगी, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। देन इसके बाद मिडिल वाली जो लेयर है, मिडिल वाली लेयर क्या कहलाएगी, मेसोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म। और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है ये वाली, अलग कलर से कर दे ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये क्या कहलाएगी आपकी, एंडोडर्म, एंडोडर्म, इसी लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे आउटर लेयर एक्टो, एक्टो का मतलब होता ही है आउटर, एक्टो, और डर्म का मतलब क्या है, डर्म का मतलब होता ही है, सबसे बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। अगर दो लेयर प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीनों लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन लेयर प्रेजेंट है, ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री होता है, ब्लास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, लेयर हो जाएगा, तो थ्री लेयर पूरी प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ गया, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आइए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए जर्मिनल लेयर भी हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्या है, सिलोम, ठीक है, सिलोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिलोम क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए हमारी जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री के नाम डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो देखिए ये बॉडी वॉल की आउटर वॉल, ठीक है, हमारे बॉडी की आउटर वॉल है, ठीक, आउटर वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीच में, यहाँ पे ये एलिमेंट्री के नाम है, एलिमेंट्री के नाम, ये वाला एलिमेंट्री के नाम,
एलिमेंट्री कैनल, ठीक। मतलब एक सेक्शन कट करके अगर हम देखें तो हमारी जो बॉडी की आउटर वॉल है ये है, एक सेकेंड, हमारी बॉडी वॉल ये है जिसका आउटर वॉल दिखाया है, आउटर वॉल ये है और ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल वही है जहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक, माउथ से लेके एनस तक, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है और ये क्या है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं, ठीक, ल्यूमेन कहते हैं। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, सीलोम। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं सीलोम, ठीक। अब आ जाइए इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीलोम के तीन टाइप होते हैं, सीलोम के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट इज सीलोमेट, सीलोमेट, सेकेंड इज सीडो सीलोमेट, सीडो सीलोमेट, सीलोमेट एंड थर्ड वन इज ए सीलोमेट, ए सीलोमेट, ठीक है। तो ये तीन तरह के क्या होते हैं सीलोम होते हैं बॉडी, ठीक, क्या है सीलोमेट, सीडो सीलोमेट और ए सीलोमेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट की, फर्स्ट क्या है सीलोमेट है, ठीक, सीलोमेट डायग्राम देखते रहिएगा बस सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, डायग्राम देखते रहिए। यहाँ पे ये क्या है बॉडी वॉल है, ये क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, तीन जर्मिनल लेयर मैंने अभी बताया था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ जो आउटर वॉल है इससे अटैच क्या है एक्टोडर्म, ठीक, बाहर की जो आउटर वॉल है इससे अटैच क्या है ये आपकी एक्टोडर्म है, ठीक, एक्टोडर्म है। और फिर एलिमेंट्री कैनाल, जब आप अंदर आएंगे एलिमेंट्री कैनाल के पास तो इनर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, एंडोडर्म होगी, है ना, एंडोडर्म, एंडोडर्म होगी। और बीच में जो कैविटी दिख रही है आपको एनसीईआरटी ने भी ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बीच में ये जो कैविटी दिख रही है इस कैविटी को, ठीक है, कभी कभी ये फ्लूइड फिल्ड भी होता है, इस कैविटी को हम कहेंगे मेसोगीलिया, ठीक है, मेसोगीलिया। तो यहाँ पे देखिए एक्टोडर्म वाली लेयर है, यहाँ पे एंडोडर्म वाली है, लेकिन बीच में क्या है पूरा स्पेस है, बीच में जो मेसोडर्म वाली लेयर होनी चाहिए थी वो नहीं, ठीक है, नहीं है, खाली जगह है, जिसको हमने क्या कहा है मेसोगीलिया कहा। तो ये जो पूरी कैविटी होती है जिसके बीच में एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में इसी को हम क्या कहते हैं सीलोमेट, पहला टाइप है सीलोमेट कहेंगे, स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, तो और क्या कहेंगे सीलोमेट कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएंगे स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट क्या है, देखिए स्यूडो प्लस सीलोमेट, स्यूडो का मतलब यहाँ पे क्या होता है बताइए फॉल्स, और सीलोमेट का मतलब क्या होता है सीलोम होगा, सीलोम है कैविटी है लेकिन फॉल्स है, ठीक है, पूरी तरह से कैविटी नहीं होगी। और यहाँ पे ये जो कैविटी होती है, ठीक है, बाहर की तरफ क्या होगा आपका एक्टोडर्म, ठीक, अंदर एलिमेंट्री कैनाल में एंडोडर्म होगा, ठीक है, एंडोडर्म, और बीच बीच में स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में, ये देखें स्कैटर्ड फॉर्म में सीलोम प्रेजेंट होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में, ये मेसोगीलिया है, मेसोगीलिया, मेसोगीलिया, और ये जो मेसोगीलिया है इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में, ये देखें स्कैटर्ड फॉर्म में ये आपका सीलोम प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या कहा है सीडो सीलोमेट, ठीक। देन इसके बाद आइए नेक्स्ट लास्ट है ए सीलोमेट, ठीक है, लास्ट क्या है ए सीलोमेट, ए सीलोमेट क्या होता है, यहाँ पे ए का मतलब देखिए क्या होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंस, ठीक है, इससे पहले भी एसिमेट्री में मैंने बताया था ए का मतलब क्या होता है एब्सेंस, ठीक है, ए का मतलब क्या होता है एब्सेंस, तो यहाँ पे एब्सेंस हो गया, और सीलोमेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सीलोम हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ व्हाट, एब्सेंस ऑफ सीलोम, अगर ग्रेविटी पूरी तरह से एब्सेंस है तो इसको हम क्या कहेंगे ए सीलोमेट कहेंगे। और यहाँ पे देखिए डायग्राम से फिर से हम दिखाएंगे आपको, डायग्राम से ये देखिए आउटर वॉल है, ठीक है, आउटर बॉडी वॉल है, इसमें कौन सी लेयर होगी एक्टोडर्म होगी, देन इसके बाद
देखिए ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी लेयर होती है, एंडोडर्म होती है। ठीक, ये हो गई आपकी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक, एक रफ डायग्राम है, समझ में आएगा आपको। ये क्या है आपका एंडोडर्म है, एंडोडर्म है, और ये बीच में एक और लेयर है। ठीक है, बीच में एक और लेयर है, और उस लेयर का नाम क्या होगा, मीजोडर्म, मीजोडर्म। तो यहाँ पे जहाँ पे मीजोडर्म होना चाहिए था वहां पे नहीं था, जब नहीं था कैविटी तब हमने क्या कहा, सीरोसिलोमेट या फिर सिलोमेट कैविटी प्रेजेंट है। और यहाँ पे मीजोगीलिया जहाँ पे था वहां पे कौन सी लेयर आ गई, यहाँ पे आ जाती है आपकी मीजोडर्म। तो देखिए पूरी जो आपकी बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस था वहां पे मीजोडर्मल लेयर है। ठीक है, मीजोडर्म की लेयर है, तो कैविटी कहीं बची ही नहीं। ठीक है, कैविटी बची ही नहीं, ये आपका जो है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, ल्यूमन कहते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक्टोडर्म ये है, मीजोडर्म ये है, एंडोडर्म ये है, स्पेस कहीं पे भी नहीं है। तो इस तरह के सीलोम को हम क्या कहेंगे, एसीलोमेट, मतलब कि एब्सेंस ऑफ सीलोम, कहीं पे भी कैविटी नहीं दिख रही है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। क्लियर हो गया, पहला क्या था, सीलोमेट, जहाँ पे ट्रू कैविटी प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोगीलिया कहेंगे। सीरोसिलोमेट में स्कैटर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपका कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग सीरोसिलोमेट कहेंगे। और एसिलोमेट में ए का मतलब ये होता है क्या, एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस मतलब कि कोई भी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन लास्ट है। ये देखिए हमने यहाँ पे सीलोम कवर कर लिया है, अब क्या है आपका सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन यही पे बता देते हैं, बहुत छोटा सा है। देखिए सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब है लाइनिंग। ठीक है, ठीक, लाइनिंग, बॉडी रिप्रेजेंट लाइनिंग। जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये कोई भी वॉर्म है, ठीक है, कोई भी वॉर्म है, इस वॉर्म के आउटर वॉल और इनर वॉर्म, ठीक, आउटर वॉल और इनर वॉल पे क्या होती है, इस तरह से लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेड बॉडी। क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड बॉडी। और ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे ये है कि जितनी लेयर, जितनी लाइनिंग बाहर होती है उतनी लाइनिंग अंदर भी होगी। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लाइनिंग है आउटर वॉल पे। तो इनर वॉल अगर देखेंगे आप, तो इनर वॉल पे भी कितनी होनी चाहिए, 7 लाइनिंग ही होनी चाहिए। तो अगर बॉडी पे लाइनिंग प्रेजेंट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।